चलिए आपको ले चलता हूँ इस छोटे से शहर की सैर पे। कितनी शांति, कितना सुकून है यहाँ, भाग दौड़ से बिल्कुल दूर, राइट? रॉन्ग। जरा बताएंगे सबको, आप जा कर रही हैं? इंटरनेट क्लास। ये है इनकी इंटरनेट क्लास और ये है इस क्लास की टीचर परवीन बेगम। मैं एक इंटरनेट साथी हूँ, मैं इन सबको इंटरनेट यूज करना सिखाती हूँ। अच्छा, ये सब सीखने का फायदा कौन बताएगा? अब रेशमा। ओके गूगल, लेमन क्लास पद्मावती इंटरनेट साथी। ये है पद्मावती। इनके गांव में किसी ने लेमन ग्रास के बारे में सुना तक नहीं था, पर इंटरनेट की मदद से इन्होंने यहाँ लेमन ग्रास की फसल लहरा दी। आज देखिए इनका लेमन ग्रास ऑयल एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट्स में यूज होता है। और पद्मावती जी, आपकी इंस्पिरेशन? परवीन गारो। देखते ही देखते पद्मावती के जैसी कहानियों ने कई लोगों को इंस्पायर किया गजब की चीजें करने के लिए, जैसे चन्ना पटना के रियाज अन्ना। ये मूर्तियां पूरी दुनिया में सिर्फ यही बनती हैं और इस सदियों पुरानी कला को सलामत रखने का इन्होंने एक नया तरीका सीखा, इंटरनेट। बस फिर क्या, आज ये मूर्तियां दुनिया भर में छाई हुई हैं और ऑनलाइन 4.8 स्टार्स पाना भी खुद ही में एक कला है, नहीं? वैसे कलाकार तो यहाँ एक से बढ़कर एक है और देखना चाहेंगे तो फिर चलिए। ऋतिक, 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 बाप रे, ये ऋतिक बाबू भी आर्टिस्ट है, नेशनल लेवल मार्शल आर्टिस्ट, और ये अपने टाइक्वांडो की प्रैक्टिस करते हैं रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ, रेलवे स्टेशन पे। पूछिए कैसे? पूछिए पूछिए ऐसे। ऋतिक को नेशनल चैंपियन बना, वर्ल्ड चैंपियन। इसलिए ये रोज यहाँ आके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग वीडियो देखते हैं और ऋतिक जैसे लोगों को देख के और भी लोग इंस्पायर होते हैं। कुछ पढ़ने आते हैं, कुछ पढ़ाने, कुछ आते हैं मनोरंजन के और कुछ आते हैं दुनिया बदलने। मीट गिरिजा एंड वैष्णवी, ऐप डेवलपर्स जो अपने शहर के लिए एक सेफ्टी ऐप पे काम कर रहे हैं। इनकी इंस्पिरेशन? आमेटा सेंथिल सा। सेंथिल कुमार, एंटरप्रेन्योर, टीचर, पर सबसे पहले एक कोडर जिन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए एक हेल्थ ऐप बनाया है। इन द विलेज इट इज इम्पॉसिबल फॉर प्रेग्नेंट वुमन टू गो टू द हॉस्पिटल विच इज 20 किलोमीटर्स अवे। आई यूज कोड टू मेक सर्टेन डिवाइसेस एंड ऐप्स दैट ब्रिंग द हॉस्पिटल टू देम इन दिस क्रूशियल टाइम। दरअसल ये कहानी टेक्नोलॉजी की नहीं है, ना ही इंटरनेट की। ये कहानी है सेंथिल की, ऋतिक की, रियाज की, पद्मावती की और हर उस इंडियन की जो किसी नए तरीके, किसी नई तरकीब से अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल रहे हैं और जाने अनजाने में एक दूसरे को भी इंस्पायर कर रहे हैं, हमें इंस्पायर कर रहे हैं।